ओम श्री अरनाथाय नमः। अब 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान की चर्चा करते हैं। इनका चिन्ह मीन अर्थात मछली का था। वर्तमान भाव से दो भाव पूर्व जहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह के कच्छा क्षेत्र में, जिसे प्रांत में कहें, क्षेमपुरी नगरी की सीता नदी के उत्तर तट पर, महापुराण हरिवंश पुराण के अनुसार धनपति इनका नाम था, पद्म पुराण के अनुसार इनका नाम सिंहरथ था। पिता का नाम घनरव, गुरु का नाम सवर अथवा अरहनंद भी मिलता है। राज्य वैभव में मंडलेश्वर थे। वहाँ से आयु पूर्ण करके देवगति में 5 अनुत्तर विमानों में से अपराजित अथवा सर्वार सिद्धि ये नाम मिलते हैं। वहाँ पर अहमेंद्र हुए और वहाँ से चयकर जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के कुरुजांगल देश की हस्तनागपुर नगरी में कुरु वंश में पिता सुदर्शन तथा माता मित्र सेना के यहाँ पधारे। गर्भ की तिथि फाल्गुन शुक्ला तृतीया थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में पधारे। नक्षत्र उस समय रेवती नक्षत्र था। जन्म तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ला चतुर्दशी। जन्म का नक्षत्र रोहिणी, जन्म की राशि मीन, शरीर का वर्ण स्वर्ण, शरीर की ऊंचाई 30 धनुष थी। अब आयु जानते हैं और उस आयु में कितने कितने वर्ष में क्या क्या किया वह जानेंगे। इनकी कुल आयु 84,000 वर्ष थी। कुमार काल 21,000 वर्ष, राजभोग काल 42,000 वर्ष, छद्मस्त काल 16 वर्ष, केवली अवस्था का प्रमाण काल 20,984 वर्ष, वैराग्य का कारण मेघ का नाश, दीक्षा तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ला चतुर्दशी, दीक्षा काल अपराह्न, दीक्षा नक्षत्र रेवती, दीक्षा पालकी वैजयंती, दीक्षा नगर हस्तनागपुर, दीक्षा उद्यान सहेतुक, दीक्षा वृक्ष आम्र, दीक्षा वृक्ष की ऊंचाई 360 धनुष, उपवास का नियम बेला तृतीय उपवास, 1,000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली, दीक्षा के 3 दिन बाद शीरान्न का आहार, आहारदाता का नाम नंदी, पारणा किए हुए नगर का नाम चक्रपुर अथवा गजपुर, तपादि काल का प्रमाण 21,000 वर्ष, केवल ज्ञान से पहले उपवास धारणा का नियम बेला, केवल ज्ञान की तिथि कार्तिक शुक्ला द्वादशी थी, केवल ज्ञान का समय अपराह्न, केवल ज्ञान का नक्षत्र रेवती, केवल ज्ञान का उद्यान का नाम सहेतुकवन, केवल ज्ञान का स्थान हस्तिनापुर, केवल ज्ञान का वृक्ष आम्र वृक्ष, समोसरण का विस्तार 3.5 योजन अथवा कोष में कहें तो 14 कोष। अब उसके अंदर क्या क्या था देखते हैं। स्वयं तीर्थंकर पद्मासन में विराजमान थे। इनके समोसरण में 2,800 केवली, 610 पूर्वधारी, 35,835 शिक्षक, 2,055 विपुलमति मनःपर्य ज्ञानी, 4,300 विक्रिया रिद्धिधारी, 2,800 अवधि यानी, 1,600 बादी। समोसरण में कुल संघ की संख्या 50,000, गणधरों की संख्या 30, गणधर मुख जो गणधर थे कुभार्य, मुख आरिका कूर्मश्री, गणनी की संख्या 60,000, मुख्य श्रोता का नाम शुभोम कुणाल, श्रावकों की संख्या 1,00,000, श्राविकाओं की संख्या 3,00,000, यक्ष कुबेर, यक्षिणी जया। आयु के अंत में योग निरोध का समय 1 माह पूर्व, मोक्ष की तिथि चैत्र शुक्ल एकादशी, मोक्ष का समय प्रभात, मोक्ष का नक्षत्र रेवती, मोक्ष का क्षेत्र सम्य शिखर, मोक्ष के क्षेत्र का विशिष्ट स्थान नाटककूट, मोक्ष के समय का आसन कायोसर्गासन, 2,800 शिष्य स्वधर्म स्वर्ग से ऊर्ध्वगिरिवक तक गए, 10,000 शिष्य अनुत्तर विमान में गए, 37,200 इनके मोक्ष जाने के पहले ही मोक्ष चले गए, 1,000 सहमोक्षगामी हुए तथा तीर्थकाल में अनुबद्ध केवली 20 हुए। विशेष
धनपति नाम के भाव में दीक्षा धारण कर 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। अरनाथ का जन्म कुंथुनाथ के जन्म होने के बाद 1/4 पल में 9,99,99,89,000 वर्ष घटाने पर जो बाकी रहा उतना प्रमाण काल बीत जाने पर जन्म हुआ। अरनाथ जिनदेव कुंथुनाथ तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद 1/4 पल में, 1/4 का अर्थ होता है पाव पल में, 1,000 करोड़ वर्ष घटाने पर जो बाकी रहा उतना प्रमाण काल बीत जाने पर मोक्ष गए। अरनाथ तीर्थंकर का तीर्थ प्रवर्तन काल 9,99,99,66,100 वर्ष था। अरनाथ स्वयं 7वें चक्रवर्ती एवं 14वें कामदेव थे। अरनाथ के मोक्ष जाने के बाद एवं मल्लीनाथ के जन्म के अंतराल में 8वां चक्रवर्ती शुभम, 6वां बलभद्र नंदी, 6वां नारायण पुंडरीक, 6वां प्रतिनारायण प्रहलाद, 6वां नारद महाकाल एवं 15वां कामदेव विजयराज हुए। इस तरह 18वें तीर्थंकर श्री अरनाथ भगवान, जिनका महान वैभव, महान पदवियां ये सब होने पर भी उन सबको छोड़कर सिद्ध धाम सिद्धालय पधारे, उनको हमारा शत सह कोटि सह नमन। विराम।